नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास ब्रदर का न्यू मॉडल प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर है DCP-B7500D। तो दोस्तों, इस मॉडल के अंदर आप अभी जो एरर आ रहा है वो आ रहा है रीसेट योर टोनर कार्ट्रिज। तो इस एरर को दोस्तों हमें सॉल्व करने के लिए, कार्ट्रिज का एरर होता है, इसकी कार्ट्रिज को हमें रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए आपको यहाँ पर एरर शो हो रहा है, ऊपर मॉडल नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली इसका जो फ्रंट कवर है, प्रिंटर का जो फ्रंट कवर है, उसको हमें ओपन करना है। और इसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्लियर और स्टॉप एग्जिट वाला जो दो बटन है वो आपको दोनों एक साथ प्रेस करने हैं, कुछ देर प्रेस करके रखने हैं, फिर स्टॉप बटन को छोड़ देना है और क्लियर बटन को प्रेस करना है, जिसके बाद आपके पास ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको डाउन की प्रेस करनी है। डाउन की प्रेस करने के बाद दोस्तों रीसेट मेन्यू का आपके पास ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन को आने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आपको अपर की रीसेट और डाउन की एग्जिट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो अपने को रीसेट करना है तो अपर की दबा देंगे, उसके बाद एक्सेप्टेड लिखा हुआ आएगा। और इस केस में मेरा प्रिंटर जो है वो रीसेट हो चुका था। अगर आपका प्रिंटर रीसेट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका प्रिंटर रीसेट नहीं होता है तो आप मेरी आई बटन में दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। इसको हमें एक बार पावर ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको वापस पावर ऑन कर देंगे। और पावर ऑन जैसे ही होगा तो कुछ देर ये अपनी प्रोसेसिंग लेगा, और प्रोसेसिंग लेने के बाद ये अपना प्रिंटर जो पहले जैसे सक्सेसफुली रनिंग में आ जाएगा, और जो एरर जो आ रहा था रिप्लेस टोनर कार्ट्रिज का वो अब नहीं शो होगा। तो दोस्तों अभी आपके पास प्लीज़ वेट होगा, तो आपको कुछ देर वेट करना है। ये देखिए मेरा प्रिंटर है वो सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है, और मेरे जो फंक्शन थे वो प्रॉपरली वापस वर्क करने लग गए हैं। और अगर आपके केस में नहीं हो तो आप इसकी दूसरी तरीका है वो देख सकते हैं, उसमें आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।